गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज करें बच्चों हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 8.2। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें साइन 60 कॉस 30 ये जो कुछ वैल्यूज दी गई हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ये आपको सॉल्व करनी है। सिंपली आपको इनकी वैल्यूज यहाँ पर रख देनी है। तो बच्चे इसके लिए आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, आपको पता होंगी भी। तो देखिए एक हल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं क्या होती है इनकी वैल्यूज। देखिए आपने देखा होगा साइन, सबसे पहला साइन और कॉस, ये दो बेसिक हैं जिनके जिनका आपको पता होना ही चाहिए। उसमें भी केवल ये साइन का ही आपको अच्छे ढंग से साइन के बारे में पता होना चाहिए। साइन की जो भी वैल्यूज़ हैं जैसे 0, 30, 45, 60 और 90, इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए साइन के लिए। बाकी सब इन्हीं से बन जाएंगी। जैसे साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 30 का होता है 1/2, 45 का होता है 1/√2, और 60 का होता है √3/2, और 90 का होता है 1। कॉस इसका ठीक रिवर्स, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, 1√3/2, 1/√2, ये इधर आ जाएगा 1/2 एंड 0। ठीक है, इसी के साथ फिर 10 बनता है। 10 आपको पता है साइन अपॉन कॉस, 10 आपको पता है साइन अपॉन कॉस 10 होता है। तो यहीं से आप इसके इसको डिवाइड करते रहें तो आपको 10 मिल जाएगा। 1/0 क्या होता है 0, 1 0 से 0, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√3, पूरा का पूरा कैंसिल 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 3 आ जाएगा, और ये आता है नॉट डिफाइन, जिसे इन्फिनिटी के साइन से भी शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू डिफाइन नहीं है, क्योंकि 0 1 से 0 अगेन कुछ ना कुछ बचता रहेगा, तो यहाँ पे से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये साइन कॉस टेन तीन वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, मतलब साइन आपको पता होनी चाहिए, और प्रैक्टिस करते करते आपको ये याद भी हो ही जाएंगी। तो एक साइन पता है तो कॉस निकल सकता है उसकी मदद से, और टैन निकल सकता है, और फिर कॉट सेक कॉस सेक भी इन्हीं तीनों से निकल जाता है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर लिखा है साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू रख देंगे। साइन 60 कितना होता है √3/2, और साइन 60 और कॉस 30 बराबर होता है, यानी कॉस 30 का वही वैल्यू होता है जो साइन 60 का होता है, तो ये भी आ जाएगा √3/2, प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 60 का वैल्यू होता है अगेन 1/2। ठीक, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो √3 × √3/2 × 2, प्लस 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, 2 2 हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा √3 × √3, √3 का स्क्वायर और 4 प्लस 1/4, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, यहाँ बचेगा 3 + 1, तो यह आ जाएगा 4/4 = 1। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, 2 tan² 45। देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, और उसका आपको करना है क्या स्क्वायर, tan 45 का स्क्वायर है। देखिए फिर cos 30 का वैल्यू रखेंगे, वो होता है कितना √3/2, और उसका करेंगे आप क्या स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और उसका भी करेंगे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 2, √3 का स्क्वायर हो जाता है 3, एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये स्क्वायर दोनों के साथ, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। आप देख रहे होंगे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस में एक प्लस में, रिजल्ट बचेगा हमारे पास 2। तो ये हो गया सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, करते हैं थर्ड पार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट, कॉस 45। कॉस 45 होता है 1/√2 / sec 30। अब देखिए sec 30 जो होता है जो वो कॉस का रिवर्स होता है, यानी साइन कॉस 10 पूरा बना लेते हैं, कॉट sec और कॉस sec। sec जो होता है वो कॉस का ठीक उल्टा होता है, यानी इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी पलट दीजिए, अपॉन में ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1/1, तो 1 ही रहेगा। 1/√3/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/√3। इसको फिर पलटेंगे तो ये आ जाएगा √2/1, 1 का कोई वैल्यू तो √2 आ जाएगा, फिर इसे पलटेंगे तो ये आ जाएगा 2/1 यानी 2, और फिर इसे पलटेंगे तो यानी कि आपने क्या किया 0 को नीचे ले गया, cos 30 यानी 0 को नीचे ले गया, 0 ऊपर था तो 0/1 था, तो आपने इसको क्या कर दिया 1/0 कर दिया होगा, तो ये क्या आएगा नॉट डिफाइन, यहाँ से sec मिल गया हमें।
कॉसेक जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, यानी इसको रिवर्स कर दीजिए, ठीक है, इसको अपॉन में ले जाइए, तो ये 0.1 है तो इसको 1/0 कर दीजिए, फिर से नॉट डिफाइन, या आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से ठीक इसका यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, ये 2 इधर आ जाएगा, ये √2 यहीं पर रहेगा, 2/√3, और ये आ जाएगा इधर से 1। कॉट होता है टेन का रिवर्स, इसको इधर लेके आइए, नॉट डिफाइन, ये इधर आ जाएगा √3, 1 यहीं पर रहेगा, 1/√3, और ये आ जाएगा इधर। ओके, तो अब हमें बोला था sec 30 का वैल्यू, तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है, आप sec 30 यानी कि cos 30, तो cos 30 का ठीक रिवर्स कर दीजिए, cos 30 होता है कितना, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30, cosec 30 वही होगा जो sin 30 होगा, और sin 30 का ठीक रिवर्स कर दो, तो sin 30 का रिवर्स, sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। ओके, तो ये हो जाएगा 1/√2 होल अपॉन, ये आ जाएगा 2/√3, और प्लस आप √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, तो ये आ जाएगा 2√3, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2√3 आ जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जाएगा √3/2 + 2√3, चाहे तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं या यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, तो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 2√2 + 2√3 × √2 √6, ये भी आ सकता है। ओके, और चाहे तो आप इसमें से √3, 2 को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे बचेगा √2 + √6, ठीक है, और सॉल्व कर सकते हैं, तो √3/2, और इसके रिवर्स साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे √6 + √2 मैं पहले लिख रहा हूँ, और यहाँ पे √6 - √2 और √6 - √2 से कर सकते हैं आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा √3/2 a + b a - b, तो √6 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर इंटू √6 - √2, √3 × √6 - √2 अपॉन में यहाँ से 2 × √6 का स्क्वायर हो जाता है 6 - √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 × √6 - √2 अपॉन में 2 × 4, 2 × 4 = 8, तो इसको रेशनलाइजेशन भी कहते हैं, कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, यानी कि हमने उसको रूट हमने डिनोमिनेटर से हटा दिया, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अब देखिए यहाँ पर है sin 30, sin 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2 प्लस tan 45 का होता है 1, और cosec 60, cosec 60 वही होता है जो sin 60 होता है, लेकिन उसका रिवर्स, तो रिवर्स हो जाएगा 2/√3, sin 60 होता है √3/2, तो साइन का उल्टा होता है cosec, तो cosec का हो जाएगा 2/√3, sec 30 वही होगा जो cos 30 होगा, cos 30 का ठीक रिवर्स, cos 30 होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60, अगेन cos 60 होता है, अब देखिए cos 60 क्या होता है, पहली वाली ये गलत हो गया, cos 60 होता है कितना 1/√2, जो साइन सॉरी 1/2, cos 60 होता है 1/2, तो यहाँ पे अब बचा हमारे पास cot 45 वही होता है जो tan 45 होता है 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 एलसीएम ले लेंगे, 2√3 आ जाएगा, तो 2√3 पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 है, √3 मौजूद नहीं है, तो √3 से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा √3 प्लस √3, अब देखिए पूरा का पूरा है यहाँ पर 2√3, यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1 है, तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 - √3 है, 2 नहीं है, तो 2 × 2 = 4 होल अपॉन, अब करेंगे यहाँ पर भी 2√3 एलसीएम आएगा, 2√3, अब देखेंगे √3 है, 2 नहीं है, 2 × 2 = 4, 2 है, √3 नहीं है, √3 = √3 प्लस पूरा का पूरा कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3। ओके, अब सॉल्व करेंगे, √3 + 2√3, अब देखिए √3 को और 2√3 को जिसको सॉल्व कर कैसे करेंगे, आप देखेंगे आप इसको कुछ अज्यूम कर लीजिए, जो रूट वाले जो हैं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो आप इसको कुछ अज्यूम कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर इसको पेंसिल अज्यूम कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 2 पेंसिल्स और यहाँ पर है 1 पेंसिल, तो 2 पेंसिल और 1 पेंसिल कितनी हो गई, 3 पेंसिल, तो 3 पेंसिल्स और 3 और फिर पेंसिल, ये लिखना जरूरी है, 3 पेंसिल यानी 2√3 + √3, तो √3 के 2 तो यहाँ पर है, √3 का 1 यहाँ पर है, 2 रे 3 हो गए, अपॉन में 2√3 होल अपॉन
फोर प्लस, अब देखिए फिर से आ गया, फोर प्लस टू रूट थ्री और रूट थ्री, थ्री रूट थ्री अपॉन में टू रूट थ्री, ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, यह आ जाएगा थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन में टू रूट थ्री, और ये सीधा ऊपर चला जाएगा, यहाँ जाएगा टू रूट थ्री अपॉन में फोर प्लस थ्री रूट थ्री। ठीक, अब देखेंगे टू रूट थ्री से टू रूट थ्री ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बच रहा है हमारे पास क्या, थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन फोर प्लस थ्री रूट थ्री। अब देखेंगे फिर से आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है, और रेशनलाइज करने के लिए आप देखेंगे अब फोर बड़ा है या थ्री बड़ा है, ये थ्री रूट थ्री बड़ा है। देखिए बच्चे थ्री रूट थ्री ही बड़ा होगा, कैसे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है रूट थ्री के साथ, और रूट थ्री का वैल्यू लगभग आप डेढ़ मान लीजिए, 1.732 होता है, तो हमने क्या करना है, थ्री रूट थ्री माइनस फोर, ऊपर नीचे पहले इसको लिख दीजिए, इसको बाद में लिख देंगे, है ना, और थ्री रूट थ्री माइनस फोर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। अब देखिए ये हो जाएगा थ्री रूट थ्री माइनस फोर, और ये भी है थ्री रूट थ्री माइनस फोर, ये तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा थ्री रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर। आप माइनस से ही, माइनस को ही ध्यान में रखिए, प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस में ध्यान रखिए कि ये पहले आया तो यही ए होगा, ये बी होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोल सकते हैं, थ्री थ्री जा, चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए और बी अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन, और रूट थ्री का हो जाएगा थ्री, तो नाइन इंटू थ्री, यहाँ पे ध्यान देंगे थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो वो थ्री हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर करेंगे तो नाइन हो जाएगा, माइनस सिक्सटीन। अब देखेंगे ये हो जाएगा नाइन थ्री से 27, ये देखना आपने यही है, यू भी ऊपर भी यही वाला था ऊपर भी, तो थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन, रूट थ्री का हो जाएगा थ्री, तो नाइन थ्री से 27 प्लस सिक्सटीन माइनस थ्री फोर जा 12, थ्री फोर जा 12, 12 टू जा 24 रूट थ्री आ जाएगा अपॉन में, अब देखिए नाइन थ्री जा 27 माइनस का 16, ये हो जाएगा 27 और 16 कितना होता है, 27 और 6 33 और 10 43 43 माइनस 24 रूट थ्री अपॉन में 27 में 16 गया तो 16 और 4 16 और 11 27। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, तो ये भी हो गया क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, अब करते हैं बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट, देखिए 5 cos² 60 यानी कि 5 cos² 60, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec² 30, sec 30 का वैल्यू वही होगा जो cos 30 का होगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, अपोजिट मैनर में, यानी रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 sec² 30, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है रूट थ्री बाय टू, तो इसका हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10² 45 का वैल्यू होता है 1 और 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 का वैल्यू होता है कितना, sin² 30 का वैल्यू होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 5 × 1/4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का 4 हो जाएगा प्लस 4 × 2 का हो जाएगा 4, और √3 से स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा 3, और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यह आ जाएगा 1/4 प्लस रूट, अच्छा ये भी स्क्वायर था, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का हो जाएगा 4। ओके, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन में, यह आ जाएगा 4/4, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 3 + 4/4 ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5/4, अब एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 12 1 जा 12 होल अपॉन में 12, तो ये आ जाएगा कितना, 15 में से 12 गए तो बचता है 3, और 64 में 3 ऐड कर देंगे तो 64 3 67 67 upon 12, ये आ गया फिफ्थ पार्ट में हमारा कंप्लीट। ओके ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं बच्चों, अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन, थैंक यू।